आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। रौनक जरा गैस बंद कर दो ना प्लीज, 3 सीटी हो गई है। ओके वेट, रौनक किचन में नहीं जाएगा। मेरे बेटे की नौकरी क्या चली गई? तुम उससे अब किचन का काम कराओगी? How dare you? अरे सुहाना बैठो ना। मैं ठीक हूँ। सुहाना जब से आई है हमने गेम ही नहीं खेली। कौन सी गेम? गेम ये है सुहाना कि अपने अपने पार्टनर को कौन कितना जानता है। ससुराल गेंदा फूल। सच में ये बाऊजी भी ना, मतलब हम लोग यहाँ पे दिन भर परेशान और वो वहाँ सोन पापड़ी खरीदने चले गए। जरूर सोनाली ने उन्हें उकसाया होगा। नहीं पापा, सोनाली ने कुछ नहीं कहा बाऊजी को। मुझे तो लगता है माँ जी ने कहा होगा कि शाहजहां तुम्हारी मुमताज ने इतने दिनों से सोन पापड़ी नहीं खाई और बस झट से निकल गए बाऊजी। यही तो हुआ। वाकई में बाऊजी कितना ख्याल रखते हैं ना। वैसे माँ जी कितनी नसीब वाली है ना। और एक आलोक है, कुछ लाने को कहो तो कभी नहीं लाते। ऐसा नहीं है। अरे ऐसे ही है राधा, सच कह रही हूँ। नहीं यार रानू, आलोक पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में रानू हमेशा वो बात मानता है तुम्हारी। बाकी में बाऊजी ना शाहजहां है, माँ का कितना ख्याल रखते हैं ना। पर इसी वजह से घर के हर कमरे में झगड़ा शुरू हो जाता है। मतलब? और नहीं तो क्या, तुम यहाँ आलोक की बुराई कर रही थी, वहाँ जरूर रजनी इंदर से झगड़ा कर रही होगी और दिशा इलेश से। हाँ और दीदी सुहाना ईशान को कह रही होगी तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं लेकर आते हो, वो भी अंग्रेजी में। सुहाना भाभी दादाजी आ गए। मिल चुकी हूँ मैं। हेलो मिस अमेरिका, तुम में जरा सी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? हाँ तुम दादाजी को साथ में कहाँ ले गई, वो भी घर पे किसी को बगैर बताए। हाँ सोनाली, तुम्हें कम से कम हम लोगों को बता के तो जाना चाहिए था ना। तुम्हें पता है घर में सब कितना घबरा गए थे, कितनी टेंशन हो गई थी हमें। या आई नो बट सुहाना तुम बताओ मैं क्या करती। मुझे दादाजी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी किसी को नहीं बताने के लिए, तो मैं उन्हें डिसोबे तो नहीं कर सकती थी ना। सो व्हाट, दादाजी ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि घर पे सबको कितनी परेशानी हो रही थी यहाँ पर? क्या हुआ सुहाना, क्या हो गया? अब खुद ही पूछ लीजिए ना मिस अमेरिका से कि वो दादाजी को क्यों अपने साथ ले गए घर पे किसी को बगैर बताए। एक मिनट सुनाली, वैसे सच तो है, तुम्हें पता है सबको कितनी टेंशन थी, अरे कोई ऑफिस तक नहीं गया आज। पर दिशा भाभी मैं क्या करती। सुहाना ट्रस्ट मी, मैंने दादाजी से कहा भी था लेकिन बट। लेकिन बट क्या, लेकिन बट क्या? और तुम लोग लेने क्या गए थे हा? और तुमने ये क्या लगा रखा है, कभी सोन पापड़ी कभी रस मलाई, घर में सब लोग कितना परेशान थे। आज इंदर भैया, इलेश भैया, ईशान और पापा, आज कोई ऑफिस ही नहीं गया, सब दादाजी को ढूंढ रहे थे पूरी सिटी में लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और तुमने क्या सोन पापड़ी रस मलाई लगा रखा है। तुम क्या स्वीट की एजेंसी खोलना चाहती हो यहाँ पर, टेल मी। पता नहीं क्या क्या खिला दिया दादाजी को, समोसे रसगुल्ले, उनकी हेल्थ के लिए कितना अनहेल्दी है तुम्हें ये पता है? जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक मैं दादाजी को स्पॉइल नहीं होने दूंगी। इतनी खराब हैंडराइटिंग है, समझ में नहीं आ रहा नंबर कितना दूं। पन्ना नाइफ देना जरा। हाय
कुछ। किसकी शादी का कार्ड है? आशु अंकल की बेटी की शादी है। ओ रियली? आशु तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहां तो हमें जाना ही होगा। बट शादी अटेंड करने का मतलब है कम से कम 30-40 हजार का खर्चा, यू नो, फ्लाइट टिकेट्स, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। कर सकते हैं मॉम, आशु अंकल डैड के बहुत क्लोज हैं, शादी पर तो जाना ही चाहिए। आप और डैड चले जाइए, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। कैसे जाऊं मैं? देखो देखो तुम्हारी वाइफ मुझे कैसे देख रही है। लेट इट बी डियर, वैसे भी बहुत बेकार का खर्चा हो जाएगा। रौनक जरा गैस बंद कर दो ना प्लीज, 3 सीटी हो गई है। ओके वेट, रौनक किचन में नहीं जाएगा, रौनक जाएगा गैस बंद करने। पूरी लाइफ में वो कभी किचन में नहीं गया है। मम्मी जी मैं यहाँ, ये व्हाट, मैं यहाँ? तुम ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रही हो जो तुम कुर्सी से उठ नहीं सकती हो? एक मामूली सी स्कूल में एक मामूली सी टीचर हो और मेरे बेटे की इंसल्ट कर रही हो, और बिहेव तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हो। गॉड मम्मी जी, एक छोटी सी बात को आपने कितना बड़ा बना दिया। आप देख रही है मैं इन काम में कितनी उलझी हुई रहती हूँ। रौनक खड़ा हुआ था इसलिए कह दिया मैंने। मेरे बेटे की नौकरी क्या चली गई? तुम उससे अब किचन का काम कराओगी? How dare you? आ जाओ भाई सब लोग, सारा अरेंजमेंट हो गया। मैं और मेरी रानी यहाँ बैठेंगे, मैं और दीशु यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ हाँ चलो शुरू करते हैं। आ जाओ, चलो। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नाना और नानी बैठेंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, यहाँ बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाना जी है कहाँ? अरे नाना जी, नाना जी भी ना कमाल है, हम सबको परेशान करके खुद सोन पापड़ी खरीदने चले गए। आपको पता है अलेश भैया, उस चक्कर में ना मेरे डैड ने कमिश्नर को फोन कर दिया, और वो भी ये सब सोनाली की वजह से। पकड़ी है इसे। अरे उसे बाद में पकड़ के, तुम अभी तक यहीं टंगी हुई हो, आओ ना नीचे। क्यों? अरे बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं, जल्दी आओ। एक मिनट में आई, वेट ना वेट। अरे आ जाओ भाई रानी, कहाँ भैया आप, देर हो रही है। आ गई आ गई। अरे आओ भैया आओ, गर्मा गर्म चाय। आराम से आ जाओ सुहाना। आ रही हूँ। अरे सुहाना बैठो ना। मैं यहाँ ठीक हूँ। चलो भैया सब लोग आ गए, अब गेम शुरू करें। हाँ हाँ चलो चलो। सुहाना जब से आई है हमने गेम ही नहीं खेली। कौन सी गेम? गेम ये है सुहाना कि अपने अपने पार्टनर को कौन कितना जानता है, और कोई झूठ नहीं बोलेगा, नो चीटिंग। हाँ मैं पहले ही बता रही हूँ, जो झूठ बोलेगा ना वो गेम से बाहर। अरे सब लोग मेरी तरफ क्यों पॉइंट कर रहे हो, मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ। ओके ओके ओके, अब सब लोग
देखो प्लीज इलेश भैया के टांग खींचना बंद करो और गेम शुरू करो भाई। ओके सबसे पहले रजनी भाभी आप बताइए कि इंदर भैया को स्टैंडर्ड 9th में प्रिंसिपल ने किस चीज के लिए पनिशमेंट दी थी? नहीं नहीं ये सवाल वैलिड नहीं है। अगला सवाल। अरे 11वीं क्लास की एक लड़की को इन्होंने लव लेटर लिखा था इसलिए सजा दी थी। व्हाट? हाँ भैया बचपन से ऐसे ही है आशिक आवारा। क्या है कैसा सवाल कर रहा है तू? सबके सामने मेरा चरित्र खराब कर रहा है। चरित्र खराब? कैरेक्टर असैसिनेशन। बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे? अगला सवाल तुझसे ये बच्चू तेरे बारे में अब पूछो। और ये सवाल है कैफे डे लैला के बारे में। कैफे डे लैला? हाँ जैसे मजनू का टीला। मजनू का टीला? अरे ये सारे लवर स्पॉट है, यहाँ पर ही तो जाते हैं सारे आशिक कटलेट खिलाने के लिए एक दूसरे को। क्यों दिशा? अब ये बताओ कि सबसे पहले इलेश कैफे डे लैला कब गया था? कॉलेज के टाइम, होली के दूसरे दिन। परफेक्ट परफेक्ट सही जवाब। चलो ये सवाल खत्म हुआ। ये? अगला चुप। मेरा सवाल ये नहीं था कि तुम्हारे साथ पहली बार कब गया था, मेरा सवाल ये था कि इलेश सबसे पहले कैफे डे लैला कब गया था। यू मीन अब इलेश भैया एंड कोई और? सपना, सपना के साथ। करेक्ट। इलेश तुम? अबे नहीं, सपना कौन कौन सपना? मैं नहीं जानता। तू सपना को भूल गया? अच्छा ये तो याद है ना कि तेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, वो तो इत्तेफाक से मैं था वहाँ पे, मैंने बिल के पैसे भरे और इसी बात से सपना नाराज हो गई और तुम्हारी क्लास के दूसरे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। भाभी आप चुप क्यों बैठी है? आप भैया से पूछिए ना कि भैया वहाँ क्यों गए थे और किसके साथ गए थे। जानती हूँ इलेश, जिसके साथ ये गए थे उन्होंने इनको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि किसी और की गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने उसका बिल भरा था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।